बताइए क्या हाल है। ठीक है, नाराज है क्या सर? हैं? नाराज है किससे? नहीं तो नाराज काहे होंगे, पहले तो आप मिले ही थे हमसे ना। हाँ, किए नहीं थे। तो इसको और इसको बाहर रख दीजिए, थोड़ा 2 मिनट बात करेंगे आपसे। हाँ, इसको रख दीजिए, दे दीजिए इनको, दे दीजिए। दोस्तों, मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमको बदनाम किया जाता है। ये जो वेद प्रकाश हैं, जो अपने आप को बहुत बताते हैं कि हम मीडिया के हैं और बहुत साख छवि के हैं, अच्छे छवि के हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये लोग बदनाम करते हैं। आइए देखिए, देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। आइए, इंटरव्यू नहीं दीजिएगा? आइए ना, इंटरव्यू दे दीजिए, इंटरव्यू देना वेद जी। ए वेद जी, इधर आइए ना, कहाँ भाग रहे हैं? अरे वेद जी, कहाँ भाग रहे हैं? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वहां ले जाके दिखाओ। ये देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। ये चैनल जो है हमको बदनाम करने की साजिश रचती है, ये चैनल जो है ये हमको बदनाम करने की साजिश रचती है। यही है, देखिए किस तरीके से भाग रही है। रिकॉर्डिंग करो, वहां जाओ रिकॉर्डिंग करो। कहाँ कहाँ भाग रहे हैं? अरे अरे, कहाँ भाग रहे हैं? 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 ये देखिए किस तरीके से हमने इनको बड़ा आदर से बड़ा सम्मान किया कि आइए 2 मिनट बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, लेकिन ये तो गाड़ी उठा करके भाग गए। ये कैसी चैनल है भाई, मीडिया के लोग ये तो भाग रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से ये चैनल है जो कि हमारे दरवाजा पे आती है और उल्टा फुल्टा न्यूज बनाने का काम करती है। हम तो कहेंगे कि ऐसे चैनल पे मैं FIR और मानहानि का मुकदमा करूंगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो हमने अभी जिक्र किया था कि किस तरीके से हमको बदनाम करने की साजिश रची जाती है, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है तो मैं उसका सम्मान करने का मैं काम करता हूँ। हर एक व्यक्ति का, मैं एक एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब गुरबा हो, चाहे पत्रकार के भाई लोग हों, मैं तमाम लोगों का। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जब मैंने उनको बुलाया कि 2 मिनट बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, बहुत दिन हो गया, आप जो वेद प्रकाश जी हैं बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी कई एक बार लेने का काम किया। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से वो गाड़ी उठा करके इतना तेजी में भागे कि जैसे लग रहा कि कोई उनके पीछे, जैसे लग रहा कि चोरी करके वो भाग रहे हैं और उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारा प्रकलन ये कहाँ से डील हो रहा है। आपको मैं अभी लेकर चलता हूँ, आपको चलिए मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से वो डील हो रहा है। और वो आवाज़ किसका है? वो बहुत चर्चित नेता है, वो उनका आवास है, वो मैं बताऊंगा कि वो किनका आवास है। आइए हम बैठते हैं गाड़ी में और वहां चलते हैं और आपको दिखाने का काम करते हैं कि किस तरीके से हमें फंसाने की और साजिश रचने की काम करती है। मैं सबका सम्मान करता हूं, जो हमारे दरवाजा पे आते हैं मैं उनको अतिथि भगवान मानता हूं। आइए, हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अब अपनी टीम के साथ, LR ब्लॉक की टीम के साथ मैं चल रहा हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हमें हमारे साथ साजिश रची जाती है, काम होती है। अगर आपको मैं दिखाऊं, अब ये रोड हमारा निकल गया, ये 2M स्टैंड रोड है, आपको दिखा दूं मैं कि किस तरीके से लोग हमें फंसाने की साजिश। और ये देखिए, यही है वेद प्रकाश जी का गाड़ी, यहाँ पे लगा हुआ है, आपको दिखा देते हैं। ये वेद प्रकाश जी का गाड़ी है और ये मांझी जी का आवास है। जी हाँ, ये मांझी जी के आवास से ये डील हो रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि ये वेद प्रकाश जी की गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। वेद प्रकाश जी की ये गाड़ी आपने देखा, यही इसी गाड़ी से हुआ थे हमारे आवास पे, BR01EX3757। ये बुलेनो ब्लू कलर की गाड़ी है, मारुति सुजुकी की। ये गाड़ी यहाँ मांझी जी के आवास पे लगी हुई है। तो ये यहाँ से ये डील हो रहे हैं, यहाँ से ये डील हो रहे हैं और यही पत्रकार बैठे हुए हैं। ये लोग साजिश रच रहे हैं पूरे तरीके से लालू परिवार को बदनाम करने की, और बहुत बड़ा बड़ा इनके प्रवक्ता जो है बहुत बड़ा बड़ा डिंग हाँक रहे थे। और किस तरीके से
ये साजिश रची जा रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से साजिश रची, अवैध तरीके से हमें बदनाम करने की साजिश रची जाती है। साजिश रची, आपने देखा कि किस तरीके से हमें बदनाम करने की साजिश रची जाती है, और आपने देख लिया कि ये मांझी जी की आवाज़ से ये लोग डील हो रहे हैं, ये मांझी जी की आवाज़ से ये डील हो, ये किस तरीके से ये लोग जो हैं आपने देखा कि किस तरीके से हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लगातार हमको लेकर के मोहरा लोग बनाने का काम कर रहे हैं, और आप लोगों ने पूरे तरीके से इस प्रकलन को देखा। हमने हर एक पत्रकार बंधुओं को अपना भाई माना है और अपने दिल के करीब माना है, और तमाम लोगों को मैं सम्मान देने का काम करता हूं। रहे हैं कि ये मांझी जी का चर्चित आवाज है जो कि हमको यहां से साजिश रचा जा रहा है बदनाम करने का। आप देख सकते हैं यहां पे कि किस तरीके से यहां पे लोग हैं, और किस तरीके से हमें, और ये जो वेद प्रकाश की गाड़ी है आप देख रहे हैं कि यहां पे लगी हुई है, ये यहां यही वाली गाड़ी, ये गाड़ी है वेद प्रकाश जी की, ये लगी हुई है, और यही गाड़ी हमारे दरवाजा पे आई थी, और ये मांझी जी के घर पे अभी तुरंत आ गई है, और ये हमको बदनाम करने की साजिश रची गई है हमारे दरवाजा पर है। आपने देखा कि किस तरीके से जिसके मन में पाप होगा वही इस तरीके से जोर से भागेगा गाड़ी लेकर के। हम लोग के मन में ना कोई पाप है, ना किसी भी तरीके का कोई छल है। हम लोग हर एक लोगों का जो हमारे दरवाजा पर आते हैं, हम तमाम लोगों का मैं सम्मान करने का काम करता हूँ।